अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बीवी का शोहर की जायदाद में कितना हिस्सा होता है। यानी अगर कोई शख्स फोत होता है और उसकी बीवी मौजूद हो, चाहे वो एक बीवी हो या ज़्यादा हो, तो उनका भी हिस्सा होता है। अब उसकी दो कंडीशन हैं इस्लाम में और हमारे कानून के अंदर। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई शख्स फोत होता है, उसकी औलाद भी मौजूद है और वाइफ भी मौजूद है, तो उनको आठवां हिस्सा दिया जाएगा। यानी अगर औलाद मौजूद है उस बंदे की, शख्स की, और बीवी भी मौजूद है, तो औलाद के होते हुए उनको आठवां हिस्सा मिलेगा, चाहे वो एक बीवी हो। अगर ज़्यादा भी बीवियां हों तो उनको भी उस आठवें हिस्से में से हिस्सा दिया जाएगा। और इसी तरह अगर औलाद नहीं है तो फिर उनकी बीवी को चौथा हिस्सा दिया जाएगा, चाहे वो एक बीवी हो या एक से ज़ायद हो, तो चौथा हिस्सा तमाम बीवियों में तकसीम किया जाएगा।